दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक महारैली करने वाला है। इनमें 26 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यह विपक्ष की पहली बड़ी रैली होगी। शनिवार को आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और दिलीप पांडे ने रामलीला मैदान में तैयारियों का निरीक्षण। गोपाल राय ने कहा कि गठबंधन के नेता तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली में पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार एजेंसियों की मदद से विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी के आरोपों के आधार पर जेल में डाल दिया गया। ये जो खेल चल रहा है, इसी के खिलाफ कल महारैली होने जा रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को राज्यों में कोई भी पूछने वाला नहीं है, इसलिए जहां भी भीड़ इकट्ठा होती है वहां अपना भाषण देना शुरू हो जाते हैं। आज जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। देखिए, पूरे देश से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला पहुंच रहे हैं। और सभी लोग मिलकर के जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई, और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा दे देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं। दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं। और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। ये सारे के सारे नेता जाके इकट्ठे होकर भाषण देते हैं और जब राज्यों में जाते हैं एक दूसरे की बुराई करने का काम करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। साफ साफ जाहिर है, जनता को बेवकूफ समझते हैं और जनता सब जानती है।